मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के छपारा मुख्यालय में एक दुधारू भैंस की कर्ट की चपेट में आ जाने से मौत हो जाने के बाद जमकर बवाल मचा। बताया जाता है कि घटना की सूचना मिलने के बाद विद्युत विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां भैंस मालिक महिला और वार्ड की महिलाओं ने अधिकारियों को घेरकर जमकर खरी खोटी सुनाई है और लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। वार्ड की महिलाओं ने बताया कि एक महीना पहले विद्युत वितरण केंद्र कार्यालय छपारा में कर्ट फैलने की शिकायत की थी, बावजूद इसके ध्यान नहीं दिया गया। रविवार को सुबह नगर परिषद छपारा की शिवनगर वार्ड क्रमांक 15 के देवरी क्षेत्र का रनबन टोला है कि रहने वाली महिला शिवपुरी यादव की दुधारू भैंस की कर्ट की चपेट में आ जाने से मौत हो गई। महिला ने बताया कि उस भैंस के दूध से उनके परिवार की आजीविका चलती थी। उन्होंने बताया कि हर दिन उनकी भैंस 10 लीटर दूध दिया करती थी और अब विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते कर्ट की चपेट में आ जाने से उनकी भैंस की मौत हो गई। उनके द्वारा और वार्ड के लोगों के द्वारा विद्युत विभाग में शिकायत करने के बाद भी विद्युत व्यवस्था नहीं सुधारी गई। कर्ट की चपेट में आने से इस वजह से भैंस की मौत हो गई। जब विद्युत विभाग के अधिकारी और लाइनमैन पहुंचे तो उन पर कई गंभीर आरोप प्रत्यारोप वार्ड के लोगों ने लगाए और कहा है कि कई बार शिकायत की गई, बावजूद इसके ध्यान नहीं दिया गया। कई महीनों से विद्युत सप्लाई के पोलों के तार झूल रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गौरतलब है कि नगरी क्षेत्र छपारा का यह मामला है जो विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही को उजागर करता है। जिस तरह से शहर से लगे वैनगंगा नदी के किनारे बसे इस रनबन टोला में पहुंचकर ध्यान नहीं दिया जाना बड़ी लापरवाही को उजागर करता है, जिसके चलते वहां के बाशिंदों में विद्युत विभाग की लापरवाही को लेकर जमकर आक्रोश देखा गया। विभाग के अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई गई। इतना ही नहीं, आवेश में आए वार्डवासियों ने कहा कि कर्ट की चपेट में आने से मृत्यु हुई भैंस का मुआवजा तत्काल दिया जाए, तभी उन्हें जाने दिया जाएगा। हमने परसों काम लगना था उसका, पानी गिरा है, परमिट नहीं दिए जो बैठा रहा। कहां परमिट नहीं दिए? किनकी भैंस है? आपकी है, आधार कार्ड, ठीक है ना? आधार कार्ड लिखित में, मर्म की कॉपी, ठीक है ना? बैंक पासबुक, ठीक है, और एक लिखित में बयान। जिन जिनके बयान है उनके बयान, बयान क्या बोलते करवाना आपकी जिम्मेदारी है ना? ऑफिस आके सबके बयान करवाएंगे, ठीक है ना? एक मिनट, आप सुनो पूरी प्रोसीजर, एक मिनट। इनकी भैंस है? हम शिवपुरी यादव हैं, ये देवी कला रनबन टोला में रहते हैं और सवेरे ढील लेते हैं हम लोग ढोर बच्चा, तो 5 बजे से अब 8 बजे आ गई भैंस ही। अब अचानक यहाँ करंट लग गया और बार बार हमने लाइन मैन को बोला कि भैया यहाँ वायर जो गिर जाता, करंट आ जाता, हमारे हाँ भी बोल रहे थे और कभी कभी कोई सुनाई नहीं। और एक महीना पहले भी हमने वो करे हैं, मतलब कंप्लेंट, कोई सुनाई नहीं। और रोड यहाँ से है थी भैया, हमारे वहाँ मकान है था तो वहाँ आगे लग जाती थी, तो हमने लोन लेके बनाए हैं, 4 लोन लिए हैं, कोई सुनाई नहीं। और फिर जे सब आए पंचायत वाले तो पट्टा भी नहीं दे रहे हैं हम लोगों को बना के, और लोन लेके बनाए, हमारे घर आग लग जाती थी तो वहाँ बनाए हमने लेंटर वालों, घास वाला है था यहाँ सर, तो लोन लेके बनाए हैं और फिर पट्टा की कोई सुनाई नहीं, कोई कितना नुकसान हुआ? नुकसान पूरा परिवार चलता था सर हमारा जी। 5 लीटर दूध देती थी सुबह, 5 लीटर शाम को। हम शिवपुरी यादव।